लंबे इंतजार के बाद अगरतला मालदा आनंद विहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस का भागलपुर के रास्ते परिचालन शुरू हो गया। मंगलवार की शाम वरिष्ठ समाज सेवक संतोष दुबे, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, भाजपा MLC डॉक्टर NK यादव, उपमहापौर सलाउद्दीन अहसन एवं अन्य गणमान्य लोगों ने हरी झंडी दिखाकर राजधानी एक्सप्रेस को आनंद विहार के लिए रवाना किया। अपने पहले ही दिन यह ट्रेन महज 2.5 घंटे में मालदा से भागलपुर पहुंच गई। ट्रेन के भागलपुर पहुंचने का समय शाम 6:25 है, पर यह 48 मिनट पहले यानी 5:42 में ही भागलपुर पहुंची और अपने निर्धारित समय शाम 6:25 पर रवाना हो गई। बता दें कि विक्रमशिला एक्सप्रेस से दिल्ली पहुंचने में 20 से 22 घंटे का समय लग जाता है, जबकि तेजस राजधानी अपने यात्रियों को 16 घंटे 20 मिनट में ही भागलपुर से आनंद विहार पहुंचा देगी। इससे समय की काफी बचत होगी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। 1972 बर्थ वाली इस ट्रेन में पहले दिन भागलपुर से 89 लोगों ने सफर किया। इसमें AC 1 एवं 2 में 25-25 और AC 3 में 39 लोगों ने टिकट बुक कराई थी। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेवक संतोष दुबे ने कहा कि तेजस राजधानी पहली बार भागलपुर आई और रुकी, मेरे लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार व लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि रेल मंत्री तो ये भी रहे, पर भागलपुर ने राजधानी का चेहरा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में देखा। उन्होंने कहा कि मंगलवार को भागलपुर की जनता हर्ष की अनुभूति कर रही थी। मोदी सरकार पारदर्शी तरीके से काम करती है। रेल मंत्री ने स्पष्ट तौर पर तेजस राजधानी का भागलपुर होते हुए परिचालन का श्रेय गोड्डा के सांसद व भाजपा के दिग्गज नेता निशिकांत दुबे को दिया। कल भागलपुर से विकास का नया पहिया जुड़ा, इसकी रफ्तार बनी रहे, श्रेय लेने वालों की होड़ भी लगी रहे, लेकिन विकास अनवरत जारी रहे। बल्कि जनता सब जानती है कि किसके प्रयास से क्या हो सकता है। मौके पर भागलपुर सांसद अजय मंडल, डॉक्टर रतन मंडल, डॉक्टर बिहारी लाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रहा था लोगों को श्रेय किसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सारे लोग जान रहे हैं। और वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए यही बोला जा सकता है कि बोलना कुछ नहीं है, करना है। ये जनता देखती है कि किसने किया नहीं किया। और श्रेय की जहाँ तक बात है तो श्रेय तो माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से दे ही दिया। मुझे तो नहीं लगता है कि रेलवे में उनसे बड़ा कोई अथॉरिटी आज के डेट में भारत में है। और जहाँ तक बात है उनकी बातों को तो काटा जा सकता है, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही काट सकते हैं। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ, माननीय सांसद या जो भी श्रेय लेना चाहते हैं कोई नरेंद्र मोदी तो नहीं है। जब अश्विनी वैष्णव जी ने लिख के दे दिया कि गोड्डा सांसद की पहल पर मैंने तेजस राजधानी दी, बात वहीं खत्म हो गई। फिर आगे जो भी यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि होंगे, जैसे इनमें हर्ष है, मुझमें हर्ष है, जितने भी भागलपुर की जनता है सब में हर्ष है, तो हर्ष मनाने के लिए तो सब आ सकते हैं, लेकिन जिंदाबाद तो नरेंद्र मोदी ही होंगे, जिंदाबाद अश्विनी वैष्णव ही होंगे, जिंदाबाद निशिकांत दुबे। हिमालयी क्षेत्र से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण भागलपुर और इसके आसपास का इलाका ठंड से कांप रहा है। मंगलवार को ठंड ने पिछले 9 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 16 जनवरी को अधिकतम तापमान इतना कम 13.2 डिग्री सेल्सियस पिछले 9 वर्षों में कभी नहीं रहा। मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहने के कारण दिन में भी सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। 10 दिशाओं में कोहरों का साम्राज्य कायम रहा। इसकी वजह से लोगों को अपने घरों में कैद रहना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार निम्न क्षोभ मंडल में पूर्वी हवाओं के कारण घना कोहरा बना हुआ है। इधर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि 21 जनवरी तक भागलपुर में ठंड बनी रहेगी। दिन में धूप निकलेगी व सुबह कोहरा छाया रहेगा। धूप निकलने की वजह से अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि होगी, जिससे दिन में राहत मिलेगी, जबकि शाम में और देर रात एवं सुबह ठंड का सितम जारी रहेगा। हल्की बूंदाबांदी बारिश भी हो सकती है। वहीं पछुआ हवा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने, साथ ही कान को ढककर रखने व पशुधन का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी गई है। जिला परिषद भागलपुर के अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह के खिलाफ 23 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक होगी। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने इसके लिए पत्र जारी कर दिया है।
जीप के 20 सदस्यों ने एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाने का पत्र जिलाधिकारी को सौंपा था, जिसको लेकर 23 जनवरी को बैठक होना है, जिसमें जीप अध्यक्ष व विरोधी गुट के जीप सदस्य अपने अपने जीत की बात कह रहे हैं। जीप अध्यक्ष के विरोधी पार्षदों का दावा है कि इस बार जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी हर हाल में चली जाएगी। वहीं अध्यक्ष अनंत कुमार ने कहा कि विकास कार्य के आधार पर उन्हें सभी सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने भरोसा जताया कि अविश्वास प्रस्ताव फिर से गिर जाएगा। भागलपुर में भोलानाथ पुल फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में किसी प्रकार की व्यवधान न हो, इसके लिए बुधवार से भागलपुर भोलानाथ रेलवे पुल से भिकनपुर गुमटी नंबर 1 तक आरबीएसएस रोड पर 180 मीटर तक सभी तरह के वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके लिए डिक्सन मोड़ के पास स्थित अद्भुत हनुमान मंदिर के पास से गुमटी नंबर 1 मोड़ तक ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। डीएम के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया है। अब जब तक फ्लाईओवर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक इस रास्ते से परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा। पुल निर्माण निगम और फ्लाईओवर का कार्य कर रही एजेंसी ने दूसरी मार्ग तय कर पूरा नक्शा प्रशासन व पुलिस को उपलब्ध कराया है। बता दें कि लोहिया पुल मालगोदाम की ओर से भिकनपुर की ओर जाने वाली गाड़ियां मुंदी चक के बाद सदर अस्पताल के पीछे वाले रास्ते से अन्यथा मिनी मार्केट से होकर गुजर सकती है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह की तैयारी जोरों पर है। प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार इस ऐतिहासिक अवसर को मनाने के लिए भव्य समारोह का आयोजन 24 जनवरी 2024 को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में होगा। समारोह का उद्घाटन राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव करेंगे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री बिहार तेजस्वी प्रसाद यादव उपलब्ध रहेंगे। कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्यालय प्रमंडलीय प्रभारी सह प्रदेश महासचिव मदन शर्मा ने राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव के साथ भागलपुर प्रमंडल का दौरा किया, जहां राजद कार्यकर्ताओं ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया। इस दौरान राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में पटना पहुंचने की अपील की। भागलपुर सुल्तानगंज के एक निजी गेस्ट हाउस में 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह को लेकर जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा एक अहम बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष सदानंद कुमार एवं मंच संचालन नगर अध्यक्ष प्रोफेसर संजय कुमार मंडल ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथियों के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती शताब्दी समारोह पर पटना के वेटनरी कॉलेज पहुंचने की अपील की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जदयू विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, जदयू जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी एवं विधानसभा प्रभारी संतोष सहनी ने कार्यकर्ताओं के समक्ष अपनी अपनी बातें रखी। मौके पर सांसद प्रतिनिधि पवन केसान, अरुण यादव, संजय गुप्ता समेत अन्य जदयू कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, यहाँ की पीढ़ी अपने हुनर का लोहा पूरे विश्व में मनवाती आई है। भागलपुर अमरपुर के ओड़े जानकीपुर निवासी रूपा देवी ने एक नया इतिहास रच के दिखाया है। रूपा ने 2021 से लेकर 2024 तक लगभग 3 वर्ष की
कड़ी मेहनत के बाद रामचरितमानस को अंगिका में रूपांतरित कर दिया, जो अमरपुर ही नहीं बल्कि पूरे अंग भाषियों के लिए गर्व की बात है। वहीं पुस्तक की रचनाकार रूपा देवी ने कहा कि 69 वर्ष की उम्र में मेरा यह सपना पूरा हुआ। कम उम्र में ही हमारे पति हमें छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद श्री राम ही मेरा सहारा बने रहे। उन्होंने बताया कि रामायण भक्ति, प्रेम, आदर, त्याग और उदारता का ग्रंथ है। मेरी माँ ने बचपन से ही इस रामायण का बीज हमारे अंदर बोया था। वो अपनी मातृभाषा एवं श्री राम से अत्यधिक प्रेम करती है, जिस कारण उन्होंने अंगिका रामचरितमानस की रचना की, जिसका लोकार्पण 22 जनवरी को अमरपुर के ओड़े जानकीपुर की पवित्र धरती पर अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दिन किया जाएगा।